नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्न्स के बारे में। कॉर्न या गोखरू, ज़्यादातर कॉर्न्स हमारे पाँव में होते हैं जब कभी हम अपने शूज़ लूज या टाइट चूज़ कर लेते हैं। जब पहनेंगे उसको बार बार आहिस्ता आहिस्ता वो स्किन को हार्ड कर देंगे फ्रिक्शन से, और जब स्किन हार्ड हो जाएगी तो वो नॉर्मल स्किन से अलग होके हमें पेन करना शुरू कर देगी। इसके अलावा कई बार ये गोखरू हाथों में भी हो जाते हैं। अगर हम कोई हार्ड टूल, कोई हथौड़ी है, कोई प्लास है, कुछ भी हार्ड टूल रेगुलर में यूज़ करते हैं, ये एक पेनफुल कंडीशन है जो कि फ्रिक्शन और प्रेशर से ही होती है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक तो एडवाइस करूंगा, आप अपने शूज़ का चूज़ जो करना है वो टाइमिंग देखिए, शाम को 4 से 6 के बीच में। आमतौर पे क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी एक स्लगिश वे में, टाइटर वे में होती है। उस वक्त हम अगर दिन के टाइम सुबह के समय शूज़ को, नए शूज़ लेते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद हमें लगता है टाइट हो जाते हैं। और अगर हम रात को 7-8 बजे के आसपास जब हमारी सारी बॉडी रिलैक्स है और हम उस रिलैक्स वे में शूज़ को लेते हैं तो हमने देखा है कि वो शूज़ आमतौर पे लूज रह जाते हैं सारा दिन के लिए। उस कंडीशन में भी वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। तो हमने जो ऑब्जर्व किया है, 4 से 6 का टाइम ऐसा है जब हमारे पाँव ना ज़्यादा लूज होते हैं ना ज़्यादा टाइट। अगर आप उस वक्त शूज़ लेते हैं तो वो आपको कॉर्न होने से बचा सकते हैं। अब अगर आपको कॉर्न हो गया है, तो एक तो वहाँ पे सॉफ्ट कोई पैड रखें या सॉफ्ट कुशन रखें ताकि आपके पाँव पे वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो पाए, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन कंटिन्यू रहेगी तो वहाँ पे छाला पड़ के जख्म भी हो सकता है और वो जख्म हील होने में काफ़ी लंबा समय लेगा, वो एक नॉर्मल जख्म नहीं है। अब गोखरू के लिए या कॉर्न्स के लिए कहाँ पे क्या दवाई है, अगर हम मॉडर्न सिस्टम में जाते हैं तो उनके पास है सर्जरी, इसको निकाल दो जी, लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं है। निकालने के बाद भी कई बार देखा है कॉर्न्स अलग अलग जगह पे हो जाते हैं। अगर आपने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना है तो आप होम्योपैथी में आइए। होम्योपैथी में कॉर्न्स के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। जैसे कॉमनली मैं आपको बताऊं, अगर कॉर्न्स पेनफुल हैं ऑन टच तो ब्रानिया कालिकार्ब मेडिसिन यूज की जा सकती है। अगर कॉर्न्स में दर्द है चलते वक्त सिर्फ सल्फर यूज की जा सकती है। अगर कॉर्न्स में दर्द है जैसे जख्म बन ही गया है उस कंडीशन में अमोनियम कार्ब और बोरेक्स मेडिसिन यूज की जा सकती है। अगर सुइयों के चुभने की तरह दर्द है तो ब्रेटाकार्ब मेडिसिन काम की जा सकती है। अगर तीखी दर्द है, शूटिंग पेन जैसे चाकू घुसे दिया है, तो बोविस्टा और नेक्टरम्यूर मेडिसिन है। इस तरह से दोस्तों होम्योपैथी में आपने देखा एक कॉर्न्स के लिए ही बहुत सारी दवाइयां हैं, और वो दवाइयों को चूज करने का होम्योपैथिक प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन। आपके शरीर को हम इंडिविजुअलाइज करते हैं दूसरों से, क्योंकि आप दूसरों से अलग हैं, इसीलिए जो आपके शरीर में कॉर्न होगा उसकी भी एक खासियत होगी, उसी खासियत, उसकी माइन्यूटनेस, उसी के करेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके हम होम्योपैथी में आपको एक मेडिसिन देंगे जो कि आपको कॉर्न से छुटकारा दिलवाएगी। और दोस्तों क्योंकि ये मैकेनिकल कंडीशन है, बार बार फ्रिक्शन से हुई है, तो इसके ट्रीटमेंट में एक लंबा समय भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि भी हम आप हमारे पास आते हैं, दवा दी, 6 हफ्ते में 4 हफ्ते में ये ठीक हो गया।
इसको कम से कम 2 से 4 महीने या इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये दिमाग में रख के जाइए और उनका ये समय दीजिए ताकि वो आपको आपकी इस पेनफुल कंडीशन से छुटकारा दिलवा सकें। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लिनिक्स में अपॉइंटमेंट लीजिए, आइए हम आपके सारे करेक्टरिस्टिक्स को देख के आपके कौन को और आपको इंडिविजुअलाइज करके जो एक मेडिसन आपके लिए निकलेगी वो आपको देंगे ताकि आप हमेशा के लिए इस दर्दनाक कंडीशन से छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, कॉर्न गोखरू से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया सर्जरी के अलावा आपके पास एक मेडिसिनल वे भी है जिससे कि आप इन कॉर्न से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।